हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ अजीत कुमार। यहाँ पे देख सकते हैं मिनी एम्पलीफायर। दोस्तों, इसमें 4440 आईसी है, देख सकते हैं ब्लूटूथ वाला ये एम्पलीफायर है। दोस्तों, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गया है, इसमें लाइट नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसी को मैं आज रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा कि क्या गड़बड़ हो गई है इसमें। देख सकते हैं ये दोनों बैटरी का तार है, मैंने एडाप्टर से इसको चलाया है, 12 वोल्ट एडाप्टर से चलाया है। दोस्तों, देख सकते हैं मेरा मल्टीमीटर, देख सकते हैं 11.98 वोल्ट दे रहा है। दोस्तों, वोल्टेज सही है लेकिन फिर भी इसमें लाइट नहीं आ रहा है। इसी सोल्यूशन करूँगा, इसी फॉल्ट को आज मैं ठीक करूँगा। देख सकते हैं ये 7805, दोस्तों ये 7805 है। दोस्तों, इसको ब्लूटूथ चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये देख सकते हैं यही दोस्तों यहाँ पे ख़राब हो गया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे प्रिंट जो रहता है वही ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो ग्राउंड है इसका वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी दोस्तों, ये प्लस वायर है, ग्राउंड नहीं है, प्लस वायर है, देख सकते हैं आप लोग। प्लस वायर यहाँ पे, इस यहाँ पे ये जल गया है बोर्ड में, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जम्फर मार दूँगा, यहाँ से वहाँ पे जम्फर मार दूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए जम्फर मार कर देख लेते हैं। देख सकते हैं मैंने कैसे इसको यहाँ से ये ब्लैक वाला वायर जम्फर मार दिया है। आप अपने घर पर ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। चलिए अब चेक करके दिखा देते हैं कि इसमें लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस पे बैटरी का वायर हम डाल दिए हैं, देख सकते हैं मेरा ये ऑन हो गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक लिए।